स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक का नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर रीड करेंगे, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। एक धोबी था। धोबी के पास गधे के अलावा एक कुत्ता भी था। धोबी रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लादकर धोबी घाट ले जाता, दिन भर कपड़े धोता और शाम को गधे पर धुले कपड़ों की गठरी लेकर घर वापस लौटता। कुत्ता दिन भर घर पर रहता, खाता, सोता और बच्चों के साथ खेलता। रात में घर के बाहर मटर गश्ती करता। अगर गधा थककर सोया न होता तो कभी कभार कुत्ता और गधा बातें भी किया करते थे। ना जाने क्यों कुत्ते को अपने जीवन से अधिक गधे का जीवन अच्छा लगता था। एक दिन रात में कुत्ते और गधे के बीच बातचीत हुई। गधे ने कुत्ते से कहा, मैं रोज काम करते करते थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मैं भी अपना पूरा दिन अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूँ, हरी घास पर दौड़ना, खेलना और दूसरे गधों के साथ घूमना चाहता हूँ। लेकिन मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा। अब गधे को स्टूडेंट ये भी पता है कि अगर वो धोबी का काम छोड़ देगा तो धोबी के कपड़े कौन उठाएगा। तो वो कुत्ते से बातचीत करता है। कुत्ते ने सोचा और कहा, मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता। मैं कुछ ही दिन तुम्हारी जगह काम कर लूँगा, जाओ तुम घूम आओ। अगले दिन सुबह जब धोबी गधे को लेने आया तो उसे गधे की जगह कुत्ता दुम हिलाता हुआ मिला। कुत्ते ने धोबी से कहा, गधा अपने रिश्तेदारों से मिलने गया है, उसकी जगह कपड़े लेकर मैं आपके साथ धोबी घाट चलूँगा। कुत्ते की बात सुनकर धोबी हंसा, किंतु कुत्ता तो नदी किनारे गधे की तरह आराम से पूरा दिन काटना चाहता था, इसीलिए उसने फिर वही बात दोहराई। धोबी ने रस्सी से कसकर कुत्ते की कमर पर बांध दिया। गठरी बनते ही कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देने लगे। अब बच्चों, स्टूडेंट जो कुत्ता था उसे धोबी के गधे का काम बहुत आसान लग रहा था और अब उसे उसी का काम बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि भारी गठड़ी जो थी उसके कमर पर बांधने से उसे बहुत बोझ लगने लगा, है ना। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उसने कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से धोबी की डांट पड़ी। कुत्ते ने फिर हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश की। थोड़े कदम लड़खड़ाते देख फिर वही डांट पड़ी। जैसे तैसे कुत्ता धोबी घाट पहुंचा। धोबी ने थोड़ी देर पहुंचने पर नाराज होते हुए गठड़ी उतारी। गठड़ी उतारते ही कुत्ता निढाल होकर एक जगह पड़ा रहा। गधा तो रोज आसपास घास चर लेता था, पर कुत्ते को तो दिन भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। बीच में घर जाने की भी हिम्मत न हुई। धोबी की डांट व डंडों ने उसकी सुस्त चाल पर लगा दी। घर जाकर कुत्ता ऐसा गिरा कि सुबह तक न उठ सका। धोबी और गठड़ी लादे हुए कुत्ते को देखने के लिए रास्ते में दर्शकगण मौजूद थे। ऐसा कुछ दिनों चलता रहा। प्रतिदिन धोबी घाट पहुंचते पहुंचते कुत्ते की हिम्मत जवाब दे जाती। सड़क पर कुत्ता कम और चार टांगों वाली गठरी चलते हुए नजर आती। अब कुत्ते को लगा कि गधे की जिंदगी जीना आसान नहीं। एक दिन सुबह जब कुत्ता उठा, उसने गधे को वहां पाया। गधा मोटा, ताजा और तंदुरुस्त लग रहा था। उसकी खाल और भी ज्यादा चमकदार हो गई थी। गधे को देखकर कुत्ते की जान में जान आई, मतलब कि अब उसे लगा कि चलो अब मैं फ्री हो गया गधे के काम से। गधे ने उससे पूछा, तुम तो बहुत कमज़ोर लग रहे हो मेरे दोस्त। कुत्ते ने गधे को अपनी आपबीती सुनाई और कहा, सिर्फ तुम ही धोबी का काम ढंग से कर सकते हो, मैं तो घर पर ही ठीक हूँ। अगले दिन धोबी कुत्ते को लेने आया तो उसने देखा गधा वापस आ चुका है, लेकिन इस बार धोबी ने गधे के साथ कुत्ते की पीठ पर भी छोटी गठरी लाद दी और कहा, अब
मुझे तुम्हारे साथ देखना लोग पसंद करने लगे हैं और इस नई पहचान से मुझे पहले से ज़्यादा काम मिलने लगा है। सुनकर कुत्ता अपना सिर धुनने लगा और सोचने लगा, दूसरे की थाली में घी देखने के चक्कर में मैं तो घर का रहा ना घाट का। तो स्टूडेंट्स, हमने पूरी स्टोरी में पढ़ा कि कैसे गधा और कुत्ता एक दूसरे के काम बांट लेते हैं। वो क्यों बांट लेते हैं? क्योंकि उन दोनों को लगता है कि उनका एक दूसरे का काम बहुत आसान है। जैसे गधा सोचता है कि कुत्ते का काम बहुत आसान है और गधा सोचता है कि कुत्ते का काम बहुत आसान है। बट अगर अब वो दोनों जब एक दूसरे का काम बांट लेते हैं तो एक दूसरे की मुसीबतों का उनको पता चलता है कि वो कितना मुश्किल है। तो स्टूडेंट, इसमें एक बार फिर आप घर पर अच्छे से स्टोरी रीड करोगे। इसमें कुछ नए शब्द भी आए हैं, जैसे जान में जान आई, घर का रहा न घाट का। इसमें कुछ नए शब्द भी हमें सीखने को मिले। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।